मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए सुबह के नाश्ते के रूम में जो हमारी टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज इस टाइम चल रही है उसकी क्लास नंबर 29 आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की जो क्लास नंबर है वो 29 है और आज हम आपको इस सीरीज में फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों के ही क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज की क्लास आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही साथ क्लास को अभी तक लाइक, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। और एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ, फिजिक्स की क्लास आपकी डलना स्टार्ट हो गई है तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इस टाइम चल रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 554। इस सीरीज में हम आपको 553 कम्प्लीट करा चुके क्वेश्चन, तो आप लोग पिछले क्वेश्चन भी देखते हुए चले, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए लाभ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन पर, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पाइरुविक अम्ल, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ था और शायद 2-3 स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया, शेष किसी ने नहीं दिया, और जिन्होंने दिया था उनका राइट आंसर था लेकिन हम नाम नहीं लेकर आए, इसके लिए सो सॉरी। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो इससे हमें ये पता लगता है चला है कि आप लोग तैयारी करने में जो तुम्हारा मन है वो कम लग रहा है। देखो तैयारी लगातार कीजिए, यदि आप लोग लगातार तैयारी नहीं करोगे तो फिर बाद में ये मत कहना कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तैयारी कीजिए, अच्छे से मन से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है वो आपका पास में ही आ रहा है। सीपी नेट एग्जाम भी आपका जल्दी होगा, अब अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म आ सकते हैं, तो आप लोग लगातार तैयारी कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। हम ये नहीं कहते आप कमेंट कीजिए बहुत ज्यादा वीडियो पर, ओनली क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसका आंसर जरूर दिया करो। ये क्वेश्चन हमने आपको बीच में पूछा था तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग वीडियो भी कंप्लीट नहीं देखते हो, वीडियो कंप्लीट देखा करो और क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। क्वेश्चन हम कहीं भी पूछ सकते हैं आपसे, बीच में भी, लास्ट में भी और शुरुआत में भी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस का जो मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब क्या होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है आपका टूटना, क्या होना, ब्रेक डाउन करना, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया में क्या होता है ग्लूकोज का टूटना, और ये क्रिया जो आपकी होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। पहली बात, ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। इसे डिटेल में हम किसी दिन आपको टॉपिक पढ़ा देंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, ब्रेक डाउन होना, और ये जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, कहां पर होती है साइटोप्लाज्म में ये क्रिया संपन्न होती है। दूसरी बात, ये जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, किसकी अनुपस्थिति में होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया आपकी संपन्न होती है। ये पॉइंट आपके समझ में आया। आप देखो एक पॉइंट यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, दूसरी बात ये क्रिया कहां पर होती है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, किसकी अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब बात करते हैं कि इस क्रिया के यानी कि खोज किसने की थी, इस क्रिया के बारे में बताया किसने था, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है इसका दूसरा नाम है ईएमपी पथ, इसे ईएमपी पथ के नाम से भी जाना जाता है, ईएमपी पथ के नाम से, पथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसके वैज्ञानिक के जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर, यानी कि जो इस क्रिया के बारे में जिन्होंने बताया था
उनका नाम है इनका मतलब यहाँ पर जो आपका है वो आपका है क्या इमेडल इमेडल मेयर क्या है इमे इमेडन मेयर इसे आपका जो मतलब है वो क्या है इमेडन मेयर और पी का मतलब है पार्सन पी का जो मतलब है वो आपका क्या है पार्सन 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 नाम के कोई वैज्ञानिक थे और ई का जो एम का मतलब है वो आपका क्या है एम का मतलब है मेयर होप क्या नाम है मेयर होप मेयर होप तो ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक दो और तीसरा ये आपका इमिडेंट मेयर मेयर होप और पर्सन ये तीन वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया हुआ था तो इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर आपका ग्लाइकोलाइसिस का एक नाम और रखा गया दूसरा नाम है ईएमपी पथ तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है आपसे ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है किस नाम से जाना जाता है तो ईएमपी पथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके इस क्रिया के बारे में जिन्होंने बताया हुआ था वो तीन वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है इमेडेन मेयर मेयर होप और पर्सन नाम के वैज्ञानिक ने अब बात करते हैं आगे देखो आगे बात करते हैं तो आगे आप बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है ठीक है ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो आपका पाइरूविक अम्ल होता है ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अब कैसे पाइरूविक अम्ल है तो ये तो बहुत ही डिटेल से हम जब आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे छोटे पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए ठीक है तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है पाइरूविक अम्ल होता है ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 555 गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर भूकेंद्र पर या सतह पर तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है तो वो आपके ध्रुवों यानी कि पोल पर अधिकतम होती है ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कम कहाँ होती है और शून्य कहाँ होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा देखिए कौन सबसे अच्छा आंसर इसका देता है तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है तो वो आपके ध्रुवों पर अधिकतम होती है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 556 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है मछलियों के युग को कहा जाता है मछलियों के युग को क्या कहा जाता है प्रोटीरोजोइक या सिल्यूरियन कल्प या डिवोनियन कल्प या इनमें से कोई नहीं तो मछलियों के जो युग होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है डिवोनियन कल्प क्या कहा जाता है डिवोनियन कल्प के नाम से उसे जाना जाता है मछलियों का जो कल्प है मछलियों का जो युग है उस युग को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है डिवोनियन कल्प ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 557 पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना किस बल के कारण संभव है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना या किसी जीव का चलना किस बल के कारण संभव है गुरुत्व बल के कारण वैद्युत बल के कारण घर्षण बल के कारण या सभी के कारण तो देखो पृथ्वी पर हम जो चल रहे हैं वो किस बल के कारण चल रहे हैं यदि पृथ्वी पर गुरुत्व बल न होता गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो पृथ्वी पर चलना संभव नहीं था तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरुत्व बल के कारण किस बल के कारण चल पा रहे हैं हम लोग गुरुत्व बल के कारण हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो ये 557 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 558 पर तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 558 क्वेश्चन है हमारा कि छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं छड़ रूपी जो जीवाणु होते हैं उनको क्या कहते हैं कोकाई बेसलाई
या स्पाइरेला या विब्रियो। देखो ये टॉपिक हम आपको करा चुके हैं, तो अभी तक आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग एक बार जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि छड़ रूपी जीवाणु क्या कहलाते हैं। तो छड़ रूपी जो जीवाणु होते हैं, छड़ जिस प्रकार से आपकी छड़ होती है, इस प्रकार से जो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपको पता है जीवाणु जो होते हैं उन्हें जगत मोनेरा में रखा गया। पहली बात तो जीवाणु को किस में रखा गया, जगत मोनेरा में रखा गया है। और दूसरी बात, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें कोशिका कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और तो छड़ रूपी जीवाणु क्या कहलाते हैं, और जीवाणु के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जीवाणु में अतिरिक्त पाया जाने वाला जो डीएनए होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें उसे डीएनए को कहा जाता है क्या, जीवाणु में जो अतिरिक्त पाया जाने वाला जो डीएनए होता है उसे कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है, उसे आपका प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं कोकाई, वेसलाई, स्पाइरेला या विब्रियो। तो देखो ये छड़ रूपी जो जीवाणु होते हैं उनको वेसिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेसिलाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप बता सकते हैं कोकाई कैसा होता है आकार में, स्पाइरेला कैसा होता है, विब्रियो कैसा होता है, इनके आकार आपको पता होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमको। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। जो छड़ रूपी जीवाणु होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें बेसिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिलाई, यानी बेसिलस कह सकते हो आप। बेसिलाई को आप बेसिलस भी कह सकते हो, जो लैक्टोबेसिलस होता है, जैसे कि लैक्टोबेसिलस जो दही में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है लैक्टोबेसिलस, वो आपका छड़ रूपी होता है। कैसा होता है, छड़ रूपी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 559, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। देखो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे मुंह में छाले निकले हुए बहुत ज्यादा, तो बोलने में बहुत ज्यादा बेकार, मतलब सही से बोला नहीं जा रहा मुझ पर, फिर भी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा या सपोर्ट करो सभी लोग, तो बहुत जल्द आप लोग इस चैनल को बहुत आगे ले जा सकते हो। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप लोग पढ़ते रहिए। और मेरा मेन जो टारगेट है वो यही है कि आप लोग सिलेक्शन लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो जिससे आप सभी लोगों का संरक्षण अच्छी तरीके से 2021 में हो सके, इतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। ए बी ए, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या एडीएच। तो देखो रंध्रों को बंद कर सकता है यानी कि वो आपका हार्मोन है ए बी ए, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एक प्रकार का वृद्धिरोधक हार्मोन कह सकते हो। हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, वृद्धिवर्धक, प्रतिरोधक। ये भी टॉपिक आपका हम आगे पढ़ाएंगे पादप हार्मोन के बारे में। तो देखो कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है, तो वो आपका है ए बी ए, जिसे कहा जाता है एब्सिसिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एब्सिसिक अम्ल कहा जाता है। जबकि आपका इथाइलिन है नहीं, जिसे एथिलीन कहते हैं, वो आपका गैसीय हार्मोन है एक प्रकार का। कैसा हार्मोन है, एकमात्र जो आपका गैसीय हार्मोन है वो आपका है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन, जो फलों को पकाने में सहायक होता है। किसको पकाने में, फलों को पकाने में जो सहायक हार्मोन है वो इथाइलिन है, एकमात्र गैसीय हार्मोन इसे कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि एकमात्र गैसीय हार्मोन का नाम बताइए तो आप क्या बताओगे, इथाइलिन। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 560, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। पैरापोडिया द्वारा गमन किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में, कुछ एनिडा जंतुओं में, कुछ आर्थ्रोपोडा में या पॉरीफेरा में। तो देखो पैरापोडिया द्वारा जो गमन पाया जाता है वो आपका किसमें पाया जाता है, तो वो कुछ एनिडा जंतुओं में पाया जाता है। एनिडा के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो जोंक आपका हुआ, क्या हुआ, जोंक, केचुआ, ये जो आपके होते हैं वो संघ एनिडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हुआ आपका केचुआ हुआ, अर्थवर्म जिसे कहा जाता है। तो ये पैरापोडिया द्वारा जो गमन होता है वो किस में पाया जाता है, कुछ एनिडा जंतुओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी आपका इसमें जो एनिमल किंगडम है, सॉरी आपका एनिमल किंगडम जो जंतु जगत है वो अभी बचा हुआ है। इस टॉपिक को हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा जो प्लांट किंगडम है वो फिनिश हो गया, ओनली एक टॉपिक उनमें थोड़ा एक पार्ट और रह गया है। एक पार्ट हम आपके लिए
अपलोड कर चुके कल, तो उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। आवृत बीजी, आवृत बीजी आपका लास्ट टॉपिक ये है, फिर उसके बाद आपका यही चलेगा एनिमल किंगडम, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 561। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य उसके फोकस पर स्थित है, केपलर का कौन सा नियम है। देखो केपलर का नियम इस टाइम का आपका चल रहा है, फिजिक्स में यही टॉपिक आपका पढ़ाया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम आपको शुरुआत में ही बता चुके, अभी तक आपने न देखे यो वीडियो तो एक बार जरूर देखें उसे। इसमें क्या है कि केपलर के तीन नियम दिए थे केपलर ने, तो आपसे पूछा गया केपलर का कौन सा नियम है ये। केपलर का प्रथम नियम है, तृतीय नियम है कि द्वितीय नियम है, या इनमें केवल बी सही है। तो देखो केपलर ने तीन नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे तीन, और दो नियम आपके आज वीडियो डल चुकी है दो की, प्रथम और द्वितीय थी। तो अभी तक आपने न देखी हो तो एक बार उसे जरूर देखें। फोकस पर स्थित है केपलर का कौन सा नियम है, तो ये केपलर का जो नियम है वो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा प्रथम नियम माना गया। कौन सा नियम है ये केपलर का प्रथम नियम है। केपलर ने ग्रहों संबंधित तीन नियम दिए थे, तो इसलिए कहा जाता है, पूछा जाता है कि ग्रह गति संबंधी नियम किसने दिए थे, तो ग्रह गति संबंधी जो नियम दिए थे वो आपके किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे, जोहानसन केपलर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ग्रह संबंधित तीन नियम दिए थे, जिसमें ये जो नियम लिखा हुआ है आपका, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है, केपलर का ये कौन सा नियम है, तो ये केपलर का प्रथम नियम है। कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात की जाए कि केपलर का द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम की वीडियो तो डल चुकी है, एक बार हम आपको बता देते हैं। केपलर का जो द्वितीय नियम है वो आपका है, सूर्य तथा ग्रह के मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य तथा ग्रहों के मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये केपलर का द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 562। आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 562। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 562। क्वेश्चन नंबर 562 है हमारा, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए, दाब यानी प्रेशर, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव, उपरोक्त में से कौन सी सदस्य राशि, यानी आपको सदस्य राशि बतानी, वेक्टर बताना है इसमें से, निम्न में से कौन सी है वो सदस्य राशि क्या है। केवल दाब और आवेग, केवल आवेग, आवेग तापमान तथा दाब, और यानी कि गुरुत्वीय विभव। तो इनमें से आपको छांटकर बताना होगा कि निम्न में से कौन सी सदस्य राशि है, कौन सी इनमें सदस्य राशि है। तो देखो सदस्य राशि जो आपकी दाब जो होता है वो आपकी अदिश राशि है, कैसी राशि, अदिश, तो ये नहीं हो सकता है। आवेग तापमान, तापमान जो होता है ये भी आपकी अदिश राशि होती है, दाब वो भी आपका है। गुरुत्वीय विभव जो होता है ये भी आपकी अदिश राशि है। जो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा है केवल आवेग, तो ये जो आवेग होता है ये आपकी सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आवेग इसमें भी लिखा था लेकिन बात क्या थी, इसमें दाब दिया हुआ था। आवेग इसमें भी लिखा था लेकिन बात क्या थी, इसमें तापमान और दाब दोनों ही दिए थे। और ऑप्शन नंबर जो डी था वो गुरुत्वीय विभव था। तो ये तो मेरा कैसे होता है, अदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, अदिश, तो ये नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा, केवल आवेग। आवेग जो होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिसमें दिशा और परिमाण यानी कैसे होते हैं, समान। अब बात करते हैं 563। 563 क्वेश्चन है, पिकोग्राम बराबर होता है, पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 10^-9 ग्राम के, 10^-6 ग्राम के, 10^-12 ग्राम या 10^-15 ग्राम। तो देखो हम चारों को आपको बता देते हैं, 10^-15 जो -15 ग्राम है वो आपका फर्मी होता है, क्या होता है, फर्मी।
ठीक है, दसवें नाते माइनस बारह जो, दसवें नाते छह जो होता है वो आपका माइक्रो होता है, दसवें नाते माइनस नौ जो होती है वो आपके नैनो होता है। तो बात हुई दसवें नाते माइनस बारह, यही आपका ऑप्शन है राइट। पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो दसवें नाते माइनस बारह ग्राम के बराबर होता है, कितने बराबर होता है, दसवें नाते माइनस बारह ग्राम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दसवें नाते माइनस नौ पूछ जाए तो नैनो, ये माइक्रो, ये फर्मी होता है, दसवें नाते माइनस पंद्रह। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 564, लंबाई की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है, नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखो लंबाई की सबसे छोटी इकाई, तो नैनोमीटर जो होता है वो दस पे घात माइनस नौ होता है, माइक्रोन जो होता है वो दस पे घात माइनस छह होता है, और फर्मी जो आपका होता है वो दस पे घात माइनस पंद्रह मीटर होता है। कितने होता है, दस पे घात माइनस पंद्रह मीटर। अब आप कैसे पहचानोगे, तो देखो जिस जो संख्या ज्यादा होती है वो हमारी छोटी होती है, तो उसपे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए। तो सबसे छोटी जो इसमें है वो आपका क्या है, फर्मी मीटर, क्योंकि इसमें दस पे घात माइनस पंद्रह है, यहाँ पे दस पे घात माइनस नौ है, यहाँ पे दस पे घात माइनस छह है। तो जहाँ संख्या ज्यादा है और माइनस का चिन्ह लगा है वही संख्या हमारी छोटी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लंबाई की सबसे छोटी इकाई इनमें से जो आपकी है वो दस पे घात माइनस पंद्रह यानी कि फर्मी मीटर है। क्या है, फर्मी मीटर। और उसके बाद आपकी है नैनोमीटर, उसके बाद आपकी है माइक्रोन जो दस पे घात माइनस छह के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 565, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन क्या है कि फायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन को, सन स्पॉट को, हवा ताप को या पौधे के ताप को। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और पीछे जो भी हमने क्वेश्चन पूछे आपसे उन सभी क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना होगा। एक क्वेश्चन का आंसर और आपको देना होगा कि पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये क्या है, पायर हीलियोमीटर है। दूसरा आपका दिया हुआ है पायरोमीटर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसे नापने के लिए किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन और पिछले जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे उन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जो सबसे अच्छा सबसे राइट आंसर देगा उसी का नाम हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेकर आएंगे। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन अच्छे लगे, कुछ नया सीखने को आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको 566 से क्वेश्चन मिलेंगे और जो भी आगे क्वेश्चन होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको जरूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।